फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वेटर में फ्रंट पॉकेट किस तरह से बनाई जाती है। और जैसे स्वेटर में बनाई जाएगी, वैसे ही आप कार्डिगन में बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक कार्डिगन का आपको एक पार्ट सामने वाला जो है बना के बता रही हूँ, उसमें पॉकेट आप किस तरह से बनाएंगे। प्रोसेस सेम वही है फ्रंट पॉकेट का कि स्वेटर में और कार्डिगन में किस तरह से आप बनाएंगे। इसमें सबसे पहले जहाँ आप बॉर्डर बना लेंगे, और बॉर्डर के बाद जितनी आपको लेंथ बनानी है वो आप बना लेंगे। और फिर हम जो फ्रंट पॉकेट आती है वो लगभग बॉर्डर से थोड़े से ऊपर यहाँ से करीब आती है। और ये मैंने ऊपर का पार्ट बना लिया है, यानी कि यहाँ मैंने टोटल जो है 35 सलाइयाँ बनाई हुई हैं। और अगर आप इंच टेप से नापेंगे तो 5 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है। अब पॉकेट स्टार्ट करते किस तरह से इसको किया जाएगा। सबसे पहले जो कैरेज है, कैरेज के हुक को हम पीछे की तरफ कर लेंगे। और जहाँ आपको बीच में पॉकेट बनानी है उतनी आप निडिल ले लेंगे यहाँ यहाँ पहले, और साइड में दोनों बराबर में छोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 15 यहाँ पे छोड़ी आपने, तो 15 निडिल आपको इधर छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करीब 14 14 निडिल आगे की तरफ कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपको यहाँ पे मैं जो कार्डिगन का एक पार्ट बता रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ जो होते दो पल्लू होते हैं उसमें सामने की तरफ, तो यहाँ फंदे कम होते हैं, उसी हिसाब से बनाएंगे। और आप जब स्वेटर में बनाएंगे तो आप उस हिसाब से जितनी आपको पॉकेट बनानी होगी आप उतनी लेंथ इसकी रखेंगे। सबसे कैरेज का हुक पीछे की तरफ कर लिया। अब हम इस साइड में आएंगे। अब हमें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 14 छोड़ी है, तो इधर भी आपको 14 ही छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 14 इधर छोड़ ली, यहाँ बीच में जो है हमारी पॉकेट बनेगी। अब हम इधर आएंगे, ये हमारा एक हो गया है, एक बार चल गई है। यहाँ सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगी, जो पॉकेट का बॉर्डर होता है ऊपर की तरफ वो बनाऊंगी। एक बार मैंने इसको चला लिया है। अब हम आपको जो इतना चौड़ा बॉर्डर बनाना है 18 सलाइयों का या 20 सलाइयों का, उस हिसाब से आप सलाइयाँ चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे 20 सलाइयों का जो है बॉर्डर बनाऊंगी। एक हमारी चल चुकी है, 19 सलाइयाँ ऐसे ही बिल्कुल चला लूंगी। 1 2 प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। ये देखिए मैंने यहाँ जो है 20 सलाइयाँ बना ली हैं, और यहाँ से अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं रॉड निकाल दे रही हूँ। यहाँ से हमने जो है शुरू किया था, यहाँ से हमारा कट आया है, तो हम जो है फंदे जो हैं वो डाल लेंगे। इस तरह से आप फंदे उठाएंगे और इसमें डालते चले जाएंगे। इस तरह से आप इसको इस तरह से आप मोड़ लेंगे इस तरह से, और सारे फंदे जो हैं ऐसे करके यहाँ तक डाल लेंगे। ये जो है हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से मैंने इसको देखिए यहाँ से मोड़ लिया है, ये कट जो है यहाँ पे ज्वाइंट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमने सारे फंदे जो हैं डाल लिए हैं। अभी सारे फंदे ढल गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना वेट लगा देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट मशीन चला के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धागा फंस जाता है, इसलिए मैं इसको एक बार हाथ से बिन लूंगी। इस तरह से ये जो हमारे हैं उनको हम हाथ से बिनते चले जाएंगे, जिससे बनाने में ये फंसे ना। यहाँ लास्ट तक जो है, यहाँ तक जो है हम इसको ऐसे ही हाथ से बिनेंगे। इसको मैंने हाथ से बिन लिया है। अब हम अपना कैरेज जो है इस साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा धागा इधर है।
ये नीडल जो हमारी आगे की तरफ है दोनों वैसी ही रहेंगी और हम अपना धागा लगाएंगे। अगर आप इंच के हिसाब से आपने पॉकेट बनानी है, जैसे 5 इंच मैंने बताया था कि यहाँ तक है हमारा, तो आप इंच के हिसाब से डबल जो है इसको चलाएंगे। मैं यहाँ पे सलाइयाँ मैंने काउंट कर ली हैं, 30 सलाइयाँ हैं मेरी यहाँ पर, और 30 सलाइयाँ यानी कि मैं 60 सलाइयाँ जो हूँ ऐसे ही चलाऊंगी। 60 सलाइयाँ जो हमें चलानी है, ये देखिए अब यहाँ पे कहीं फंसा नहीं है हमारा, और 60 सलाइयाँ जो है मैं चला लूँगी, क्योंकि पॉकेट जो है इस तरह से हमारी डबल होकर आएगी। तो मैं यहाँ 60 सलाइयाँ चला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 3 4 अब हमने 60 सलाइयाँ बना ली हैं। अब हम इस साइड में आएंगे और ये वाली जो निडल है इनको हम पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ से शुरू किया था इसलिए इधर वाली निडल पहले हम पीछे करेंगे। ये सारी बन गई है हमारी। अब हम इधर वाली निडल को पीछे की साइड करेंगे, क्या इसके हुक आगे की तरफ कर देंगे। ये देखिए यहां से ये आपकी पॉकेट आएगी। यहाँ अब जो है जितनी आपको ऊपर लेंथ बनानी है उतनी आप बना लेंगे अपने स्वेटर के हिसाब से। अब थोड़ी सी मैं ऊपर की तरफ आपको बना कर दिखा दे रही हूँ किस तरह से ये आपकी पॉकेट आएगी आगे से और पीछे से। इस तरह से मैं ऊपर की तरफ थोड़ी लेंथ बना ले रही हूँ, फिर दिखा रही हूँ आपको किस तरह से ये आपकी बनकर आएगी। ऐसे मैंने वेट यहाँ लगाया था। अब वेट जो है जैसे आपने नॉर्मल लगाते हैं हम बॉर्डर में फंसाते हैं वैसे ही आप इसको फंसा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। अब जो है ऊपर की साइड आप चला लेंगे। ऊपर की साइड बना लिया है मैंने, अब हम वेट निकालेंगे, लॉन्ग निकाल देंगे और ये देखिए इस तरह से ये आपकी पॉकेट आएगी बनकर। और ये यहाँ इस तरह से हम हाथ डालकर इसको सेट कर देंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे आएगी और ये यहाँ से इस तरह से आएगी। निकाल कर दिखा रही हूँ आपको किस तरह से ये आएगी। ये देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट की साइड में ये इसका जो है बॉर्डर आ गया है और आप यहाँ से इसको यहाँ से सिलेंगे पीछे की साइड से और इसको यहाँ से सिलेंगे। ये देखिए बस, और ये पीछे से ऐसे आएगा और पॉकेट की दोनों साइड को यहाँ साइड्स में आप सिल देंगे। इस तरह से ये आपकी पॉकेट बन के तैयार होगी। ये देखिए